तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक मजेदार ट्रिक के बारे में। अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए अगर कोई भी नंबर है, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, ठीक है, अगर ये क्या है, 4 डिजिट के कोई भी नंबर है, कितना है, 4 डिजिट का नंबर है, अगर आप किसी भी ऐसे 4 डिजिट के नंबर को अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर 9 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 19 नहीं, मतलब बहुत सारे, अगर 9999, ठीक है, अगर इस प्रकार से आपके सामने अगर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऐसे कोई भी 2 से 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितना भी डिजिट रहे, अगर उसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 9 से, और बहुत सारे 9 से, अगर 229 रहेगा, 39 रहेगा, 49 रहेगा, तो उसको किस टाइप से, मतलब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, जिससे कि मतलब चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम लोग एकदम देखते ही उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं एकदम पूरा बहुत ही फास्ट तरीके से। तो चलिए जानेंगे आखिर कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर है सबसे पहले काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 कितना है, सॉरी 9 कितना कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 5 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 डिजिट है ना, तो यहाँ पर देखिए 5 डिजिट है, यहां पर 4 डिजिट है, तो यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर जो 4 डिजिट है ना उसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 3 4 5, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस नंबर से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 5 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 3455 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ पर जब 9 से 5 को है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ 1 2 3 4 डिजिट है, तो क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले एगो 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 इसलिए लगाए क्योंकि इधर का जितना नंबर है इतना नंबर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया। अब क्या करना है, इस 9 से क्या करना है, इस 0 को माइनस करना है, फिर इस 9 से इस 3 को माइनस करना है, फिर इस 9 से इस 4 को माइनस करना है, फिर इस 9 से इस 5 को माइनस करना है, फिर इस 9 से इस 5 को माइनस करना है, एकदम सिंपल तरीके से। अब देखिए सबसे पहले अगर इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 9 से 3 को अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 है, 9 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 से अगर 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 9 से 5 को माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट अगर बोलेंगे तो क्या आ गया हम लोग का, 3 4 5 5 9 6 5 4 4, ये हो गया इस इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई का रिजल्ट बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अब चलिए अब कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 8 लिए, 9 लिए, 6 लिए, 5 लिए, 8 लिए, ठीक है। अगर ये 5 डिजिट का नंबर है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ऐसे 9 वाला चाहे जितना भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर देखिए, इधर 5 है, इधर कितना लिए, 6 को डिजिट ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 9 6 5, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो क्या करेंगे, इससे पहले इट इज एक 0 लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 9 से इस 0 को माइनस करेंगे, तो इस 9 से 0 को माइनस करेंगे तो क्या, 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड वाला 9 से, इस 9 से जब 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इस 9 से इस 9 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इस 9 से इस 6 को माइनस करेंगे तो 9 से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इस 9 से इस 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इस 9 से इस 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से। तो ये हो गया हम लोगों का रिजल्ट, एकदम फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, अगर हम लोग इसको इक्वल टू देकर लिखेंगे, 8 9 6 5 7 9 1 0 3 4 2, ये एकदम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे बिना मल्टीप्लाई के, एकदम सिंपल तरीके से। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, ऐसे कितना भी नंबर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा डिजिट आप मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मायने रखता है, एक चीज़ मायने रखता है, क्या रखता है कि मतलब इधर वाला जो 9 वाला नंबर है, डिजिट है, कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 6 डिजिट है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 है, यानी कि इधर वाला जितना भी नंबर है ना, इससे इधर 9 का डिजिट कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर मिनिमम अगर बोलेंगे तो 5 9 होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर 5 डिजिट रहेगा और इधर 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट 9 का रहेगा, 3 डिजिट रहेगा, तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक की यूज करके ऐसे कितने सारे मल्टीप्लाई हो, आप अपने मल्टीप्लाई को क्या कर सकते हैं, इसे बहुत ही फास्ट तरीके से बना सकते हैं और अपने मैथ्स को पहले से काफ़ी बेटर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल देकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक आप ही के इस YouTube चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।